वेलकम बैक टू दी सुपर आई ऑफ फैसल बैंक सुपर 8 T20 कप फाइनल आप बराए राज देख रहे थे जियो सुपर से नोकिया कराची डॉल्फिन वर्सेज ऑडियोनिक सियालकोट स्टैलियन। नोकिया कराची डॉल्फिन ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था, फिनिश सही तरह नहीं कर सके। ऑडियोनिक सियालकोट स्टैलियन का वही एक्सपीरियंस और वही जबरदस्त परफॉर्मेंस ने ऑडियोनिक सियालकोट स्टैलियन को सातवीं दफा फैसल बैंक T20 का चैंपियन बना दिया। मगर पहली दफा रावलपिंडी रैम्स बने थे और दूसरी दफा अब चैंपियंस बने हैं सुपर 8 के ऑडियोनिक सियालकोट स्टैलियन। 8 विकेटों से ये मैच जीत गए। मेरे साथ मौजूद है मेरे गेस्ट पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वजीद खान। आज के मैच पे डिस्कशन अपनी शुरू करते हैं, मैच समरी देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद नोकिया कराची डॉल्फिन्स और हर दफा ये क्या हो जाता है नोकिया कराची डॉल्फिन्स को, क्यों साउथ अफ्रीका की तरह अब बिहेव करने लगी नोकिया कराची डॉल्फिन्स, चोकर्स क्यों बन गए हैं ये, मैच समरी देख लेते हैं ये जो आज मैच हुआ है उसकी और फिर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स ने क्या क्या गलत शॉट मारे। जी सवेरा, आई थिंक यू आर बीइंग वेरी चैरिटेबल व्हेन यू सेड के आखिरी 2-3 ओवर में क्या गलत हुआ। गलत नहीं हुआ, डिजास्टर हुआ कराची डॉल्फिन्स के लिए, क्योंकि जब इनके 5 ओवर बाकी थे देवे ने पोजीशन की 180-190 करते, बहरहाल इवेंचुअली दे मेड 167 फॉर 8 और इनका जो फैसला था पहले बैट करने का ये आई थिंक 20 से 25 रन से गलत साबित हो गया। खालिद लतीफ 81 नॉट आउट, असद शफीक 38, शाहजेब हसन 30, रजा हसन अमेजिंग आखिरी ओवर में 4 विकेट्स ने ली, 2 रन से 4 विकेट्स ने ली और नवीद हसन 1 विकेट, उमर आसिफ 1 विकेट। ऑडियोनिक सियालकोट स्टैलियंस मतलब 19 ओवर में जीते लेकिन बड़ा कंफर्टेबल रन चेस था इनका। 18.5 ओवर्स में इन्होंने 170 किए 2 विकेटों के नुकसान पे और बड़े आराम से ये मैच जीता इन्होंने। शोएब मलिक कैप्टन रनिंग ऑफ रन 62 नॉट आउट, हारिस सोहेल 55, इमरान नजीर 41 और हारिस सोहेल ने जो आज इनिंग्स खेली है आई थिंक अनदर रिमाइंडर ऑफ हिज पोटेंशियल एंड टैलेंट दैट ही हैज। तो ऑल इन ऑल अ वेरी प्रोफेशनल एंड थरली इन्होंने आउट क्लास किया, मैं ये कहूंगा कि आउट क्लास बिल्कुल आउट क्लास कराची डॉल्फिन्स को। बस टर्निंग पॉइंट क्या लगा आपको इस मैच का? टर्निंग पॉइंट तो नहीं, जो नोकिया कराची डॉल्फिन ने गलतियां करी वो बहुत ज्यादा करी थी। अगर वो मैं बताना शुरू करूं तो मेरे ख्याल है प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा। मेरी नज़र में सबसे पहले जो मिस्टेक करी टॉस जीत के पहले भी बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमेशा T20 या वनडे फॉर्मेट में हमेशा जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो बाद में किया जाता है। अब इस पर कोई मेरी बात माने या ना माने, एक मेरा अपना ओपिनियन है। जो दूसरा ये कि आपने ग्राउंड फील्डिंग करते हुए इमरान नजीर को देखा होगा अगर मैच देखने वालों ने, कि वो अनफिट था, उससे सही तरह भागा नहीं जा रहा था। जहां पे इमरान नजीर बैटिंग करने आया आपको वहां पे पहले ही ओवर में स्पिनर लगाना चाहिए था कि उस वो, क्योंकि वो फीट तो यूज कर ही नहीं पाता ना, वो तो सिर्फ टाइम कर रहा था। तो ये ऐसी चीज है क्रिकेट में जो उसने 41 रन करे मेरे हिसाब से वो 10 भी नहीं कर पाता, मतलब रन होने ना होने अलहदा बात है, लेकिन एक जो आप प्लान बनाते हैं वो प्लान मुझे नजर नहीं आया। जहाँ पे शोएब मलिक बैटिंग करने आया आप देखें वो उसे आपने सिंगल दे दिए, वहाँ पे तो आपको फौरन अपने विकेट टेकर जो बॉलर होता है जो विकेट टेकर होता है जैसे समी है या तनवीर है वहाँ पे उन्हें कराना चाहिए था। आपने वहाँ पे अपने जो जो आपका सबसे वीक लिंक था जो स्पिनर्स के हारिस और अपना फराज आपने उससे बॉल करा दिया जो सरासर गलत था। आप कराची डॉल्फिन जो 168 पे आउट हुई है उसके बाद वो आउट करने पे मैच जीती, रन बचाने पे मैच नहीं जीती। बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर करा, आई एम सो सॉरी। समी की कैप्टनसी इतनी अच्छी नहीं रही जितनी और पिछले मैचों में उसने करी है और ये वो फैक्टर है जो कराची के हार की वजूहात में से वजूहात में से है फैक्टर। वहीद आपको क्या लगता है क्या टर्निंग पॉइंट? मुझे एक चीज को तो वैसे इमरान नजीर का कहते हैं हैमस्ट्रिंग थी या जो भी था, लेकिन फाइनल के बाद जिस तरह उछल कूद कर रहे थे से भी उनको प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये कि देखिए बैटिंग पहले आपने की, आई थिंक 15 ओवर्स में 132 रन थे आपके, सिर्फ 2 विकेट आप गिरी थी, इससे ज्यादा आपको लॉन्चिंग पैड नहीं मिल सकता, ठीक है ना। मतलब आप अगर आखिरी ओवर में जाके 4 विकेट गंवाते हैं 2 रन पे, उसके अलावा आप आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 35 रन करते हैं तो फिर तो आप मतलब उसका कोई मतलब आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। आपको कराची, इन माय ओपिनियन, कराची नोकिया डॉल्फिन शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट अराउंड 180 to 190, बिल्कुल ठीक है। जब 180 to 190 होता है तो बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट होता है, क्योंकि जब एक टीम स्टार्ट करती है चेस, जब वो फेस कर रही है 167, जब वो फेस कर रही है 190, इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम।
तो आई थिंक दे लॉस्ट इट इन द लास्ट 5 ओवर्स व्हेन दे बैटेड. सिंपल सी बात है, मतलब रजा असर अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की इस टूर्नामेंट में, ही डिजर्व द मैन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, बट ऐसी कुछ उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं की लास्ट ओवर में जिसमें आप 4 विकेट आप गवा कर, प्लानिंग ही नहीं थी बिल्कुल. किसी खालिद लतीफ इतना लंबा खेले 81 नॉट आउट किए, ही डिडंट नो कि कहां पर मुझे कंट्रोल करना है, कहां पर मैंने अब एक्सेलरेट करना है, कहां मैंने हिटें लगानी है. मतलब कुछ लोगों का ख्याल ये कि बॉल सॉफ्ट हो गई थी, कुछ लोगों का ख्याल ये कि उससे शॉर्टेज पर नहीं लग रही थी, लेकिन आई मीन इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम नोके कराची. डिटेल में हम और डिस्कस करेंगे, अभी प्लेयर्स को जा रहे हैं एक ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिसमिसल्स भी देखेंगे दोनों टीम्स के, और साथ ही साथ बात करेंगे कि शोएब मलिक और हारिस सुहेल की कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी यूजफुल रही और यॉनिक स्टैलियन के लिए. स्टे ट्यून्ड टू सुपर आईक्यू, क्योंकि ये खेल अपना है.